हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने के टी एम ड्यूक 390 को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन रिसीव कर सकते हैं और म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा और ब्लूटूथ को ऑन करना होगा। तो हम सेटिंग में पहले जाएंगे और फिर जाकर इसको फेवरेट में, आपको सबसे नीचे आता है ब्लूटूथ, ये थर्ड नंबर पर ब्लूटूथ है और इसी में जाकर इसको आपको ऑन करना होगा। उसके बाद आपको फिर इसमें माई राइड में आपको जाना होगा, के टी एम माई राइड में। वहाँ से फिर आप पेयरिंग में जाइए और पेयरिंग में जाके फ़ोन को पहले स्कैन कीजिए। स्कैनिंग के बाद आपका फ़ोन उसमें आपको दिखाएगा डिस्प्ले पर और उस फ़ोन को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ जी टी मास्टर दिखा रहा है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे सेट बटन से। उसके बाद फिर इसमें आपको परमिशन मांगेगा फ़ोन पर। वहाँ से ओके करने के बाद फिर ये कनेक्ट हो जाता है फ़ोन से। फिर एक परमिशन और आता है इसमें, कनेक्ट होने के बाद एक परमिशन और आएगा। उस परमिशन के बाद फिर ये आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा हर बार फ़ोन। बस ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए फ़ोन का भी और केटीएम का भी, दोनों का ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो फिर ये कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक हर बार। उसके बाद सेकेंड में आपको फिर हेडसेट का पेयरिंग करना होगा। हेडसेट का अलग से जाकर फिर से उसको हेडसेट को पेयरिंग कीजिएगा। फिर केटीएम से आपका फ़ोन भी पेयर होगा और केटीएम से ही आपका हेडसेट भी पेयर होगा। दोनों जब पेयर हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये सिंक हो जाता है आपस में। जब दोनों कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद आप वापस से डिस्प्ले में जाइएगा। फिर से आप अपने फ़ोन में कोई भी गाना अगर बजाते हैं, जैसे मैंने ये गाना सेलेक्ट किया हूँ, ये गाना मैं अगर बजाता हूँ और फिर मुझे देखना है इसको, तो फिर से माई के टी एम माई राइड में आपको जाना होगा और फिर आप सेट बटन से आप के टी एम माई राइड में जाइएगा और फिर ऑडियो में जाइएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेम गाना बजते हुए और ये गाना आपके हेडसेट पे भी सुनाई पड़ता है सेम। यहाँ से आप सेट बटन से आप इसको पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग कर सकते हैं, प्रीवियस सॉन्ग कर सकते हैं या वॉल्यूम अप और डाउन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको कॉल सुनना होगा तो कॉल जब इसी समय कॉल आएगा तो वो भी आप इसमें रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक कॉल रिसीव करके दिखाता हूँ। मैं अपने ही नंबर से एक कॉल किया हूँ अपने ही मोबाइल पर और यहाँ से मैं सेट बटन से इसको रिसीव करूँगा और हेडसेट पे बात भी हो जाती है, आप ड्राइव करते हुए बात भी कर सकते हैं और फिर आपको इसको कैंसिल बटन से इसको काट भी सकते हैं। तो ये था, काफ़ी ईजी था अपने फ़ोन को सिंक करना। फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।